नमस्कार जनप्रिय, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में कोरोना के आंकड़े 5 लाख के पार हो गए, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है इंडिया की, और अगर बात करें कि डेथ रेट तो वो भी दूसरे मुल्कों के देखते हमारे काफी कम है। लेकिन जो चिंता की बात है वह यह है कि 6 दिन के अंदर 1 लाख, जो आंकड़ा 1 लाख पहुंचने में 110 दिन लगे, वही अब 4 से 5 लाख पहुंचने में महज 6 दिन, ये चिंता का विषय है। लेकिन इसी बीच हमारे नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है, और क्या इसके मायने हो सकते हैं, कोरोना से चिंता कितनी है और चिंता करने की कितनी जरूरत है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको मैं मजमून दिखाता हूँ, उसके बाद हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इलाहाबाद से डॉक्टर अजय मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखाता हूँ, उसके बाद में लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। कोरोना वायरस ने विकासशील देशों के साथ ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। आज दुनिया भर के 195 देशों के 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 4,94,000 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये जरूर है कि दुनिया भर के मरीजों के ठीक होने की दर 54% है, जबकि मृत्यु दर 5% ही है। उधर भारत में कोरोना कहर की रफ्तार क्या है, यह पिछले 6 दिन के आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। पिछले सिर्फ 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। पिछले 150 दिनों में कोरोना हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। हमारे देश में कोरोना रिकवरी रेट 59% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,08,953 के करीब कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा बढ़कर 15,685 पहुंच गया है। देश में फिलहाल 1,97,387 एक्टिव केस है। वहीं अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2,95,881 है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना की स्थिति। भारत में कोरोना केस 5 लाख के पार, 6 दिन में 1 लाख केस आए सामने। भारत में 30 जनवरी को आया था पहला केस सामने। भारत के लिए राहत की बात, एक्टिव केस कम, रिकवरी रेट बेहतर, देश में मृत्यु दर भी अन्य देशों के मुकाबले कम। जून में ही देश में बढ़े 3 लाख केस। अकेले महाराष्ट्र में है 1,50,000 मरीज। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में रिकवरी रेट कम। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार में एक सप्ताह में 4% दर से बढ़े एकदम केस। भारत में 1 लाख मरीज होने में लगे 110 दिन। 2 जून को 2 लाख हुए मरीज, 12 जून को 3 लाख पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 20 जून को 4 लाख हुए देश में मरीज, 27 जून को 5 लाख हुए पार। अमेरिका और ब्राजील में 4 दिन में 4 से 5 लाख केस, रूस में 12 दिन में 4 से 5 लाख केस, भारत में 6 दिन में 1 लाख केस। 5 लाख केसों में 2,95,880 केस हुए ठीक। 5 लाख में से 1,97,387 है एक्टिव केस। कोरोना काल में जहां पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में भले ही कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है, मौन प्रदर्शन और वर्चुअल रैली को देखकर लग रहा है कि अब देश में लॉकडाउन नहीं है, बल्कि अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में कोरोना से मृत्यु दर कम होना और मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत ज्यादा होना राहत की बात है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को कम करने के लिए भारत समेत कई देश इसकी वैक्सीन और ड्रग तैयार करने के लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। अब हर किसी को कोरोना पर लगाम लगाने वाली दवा की वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि भविष्य में ऐसे वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके, इसके लिए भी तैयारियां पूरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा कोरोना का, और हमने वह पहलू भी आपको दिखाया कि जिसमें सियासी पारा भी कोरोना के बीच ही चढ़ता रहा, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। ये लगातार, ये जब से 30 जनवरी को जब पहला केस केरल में आया था, उसके बाद से लगातार चीजें आपके सामने। चलिए, मैं सबसे पहले अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है हमारे, एक्टिव केस जितने हैं उससे ज्यादा रिकवर जो केस हैं वो हमारे पास में,
और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जताते हैं तो जानकार है कि हमारे यहाँ पे डेथ रेशो भी उन मुल्कों की बजाय काफी ठीक पोजिशन में है कि ज्यादा हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि बिल्कुल मचे। लेकिन चिंता की जो बात है वह यह है कि 4 से 5 लाख पहुंचने में 6 दिन लगे। जिस सफर को तय करने में कोरोना को लगा था जब पहली बार 1 लाख हुआ था 110 दिन, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अगर दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका, ब्राजील यहाँ पे 4 दिन के अंदर 1 लाख पहुंचे थे, रूस जरूर 12 दिन में 1 लाख पहुंचे, लेकिन कितना चिंता का विषय होना चाहिए ये? आंकड़ों में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए चिंता का विषय तो है ही ये, नो डाउट। जिस तरह से 4 से 5 लाख गए हैं और 5 से 6 लाख मुझे लग रहा है बस टच करने ही वाले हैं हम थोड़े से टाइम में, तो चुनौतियां काफी हैं और बाकी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक प्लस पॉइंट है हमारा रिकवरी रेट काफी स्ट्रांग है, हमारे एक्टिव केसेस और जो दूसरे क्योर्ड केसेस हैं उसमें आई थिंक सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है, तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट आया है कि जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कम होता जा रहा है। और जिस तरह से हम राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में 78% रिकवरी रेट है, तो यानी एक पॉजिटिव साइड पे सोचे तो ये काफी अच्छी खबर है हमारे लिए कि 3200 समथिंग हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस हैं, तो रिकवरी रेट काफी फास्ट जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमको इसको फुल स्टॉप करना है, और फुल स्टॉप करने के लिए जो एक अग्रेसिव कैंपेनिंग की जरूरत है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे लैकिंग है। जिस तरह से हमने देखा कि चेन्नई में भी जिस तरह केसेस एकदम हाई हो रहे थे वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद दिल्ली में देखें तो वहां पर तो आज हॉस्पिटल्स की ही त्राहियां मचा हुआ है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि हमको अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए टाइम पर, हम लोगों को जितना हो सके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस इज अ मस्ट, जो कि आज हम देखते हैं बाहर जाकर। आप फूड चेन्स पे देखिए जिस तरह से लोग यानी भरी गर्मी के मौसम में भी समोसा, कचौरी, आइसक्रीम सारे फूड आउटलेट्स पे बिल्कुल लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, किसी को पनीर भी खाना है तो वो यानी जो डेरीज हैं वहां पर भी उतनी ही भीड़ दिख रही है। और सबसे यानी जो हैरानी की बात यह है कि कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, जो पुलिस ग्राउंड पे काफी एक्टिव दिख रही थी पूरे लॉकडाउन के दरमियान, इस टाइम पर हमें ऐसी कहीं पर भी मुस्तैदी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है ये ऐसी छोटी छोटी जो हमारे तरफ से जो ये केयरलेसनेस है ये हो सकता है हमें इसकी काफी भारी कीमत चुकानी पड़े अगर अभी भी हम लोगों ने उस पर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला लॉकडाउन था, दूसरा लॉकडाउन था, तो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट और पब्लिक बहुत गंभीर है इसको लेकर के, और हमको ये चाहता है कि आज अगर हम घर के अंदर रहेंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे, कल का दिन बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आंकड़े जिस तरह से आते हैं बिल्कुल ठीक है कि सरकार अपने आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन अवेयरनेस की बात आप देख लीजिए, और जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं मुझे लगता है कि अब कोई किसी को टोकने वाला भी नहीं है। आप एक खाना पूर्ति करिए या फिर कहें कि चलिए आप चालान काट रहे हैं कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, लेकिन बात ये नहीं है। हेलमेट क्यों लगाया जाता है? सिर्फ ये है थोड़ी ना कि उससे चालान से बचना है, आपका जीवन है, हेलमेट आपको जीवन बचाना है। तो उसी तरह से मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर किसी के पास नहीं, साबुन तो हर किसी के पास में हो सकता है। मुझे लगता है सरकारों को, पार्टियों को इस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन एजेंडे बदल गए हैं। अभी एजेंडे बदल गए हैं बिल्कुल। आप सड़क पे भी सर सैनिटाइजर ऐसे सेल हो रहे हैं सड़क पर, अगर हर चौराहे पे, यानी बड़ी हैरानी हो रही है ये चीज देखकर कि जो कभी पहले सब्जी बेचते थे वो लोकल छोटी छोटी सैनिटाइजर की बॉटल्स लेके बैठे हुए हैं, उसकी अथॉरिटी, उसकी टेस्टिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोरोना जो है एक लोगों के लिए एक ऐसा जरिया बन गया, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सही है कि जो कहते हैं कि धोखा देना, चूना लगाना, ये कोरोना के आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर साबुन को लीजिए, कोरोना मर रहा है इससे। कौन सा साबुन, किससे मर रहा है? अब ये ठीक है कि साबुन से आपको हाथ धोने, जो उसके फोम जो बनता है उससे कोरोना चला जाता है, इससे सोचना WHO ने भी कहा है, लेकिन पर्टिकुलर कहा जाए कि साबुन की टिकिया है इससे कोरोना जा रहा है, ऐसे ऐसे जो भ्रांतियां फैला करके ये लोगों के साथ में एक छल, एक धोखा है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी जी, ट्रांसमिशन को लेकर के अभी सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहब ने साफ कहा है कि इसे चाहे स्वीकार किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। चिकित्सक इस बात को मानते हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं जो फैला हुआ है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर ही इंगित करता है, लेकिन सरकारें नहीं मान रही है अभी भी। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर बनती जा रही है, लॉकडाउन फर्स्ट एंड सेकेंड जब था बड़ी सख्ती थी उस समय,
बात भी लोग करते थे तो वो स्लो कर देते, पूछते थे सब ठीक तो है, लेकिन अगर आज आपको भी कोई फोन करता है घर पे पूरी अपनी बातें करने के बाद में और लास्ट में कहेंगे कि चल सब ठीक है, ध्यान रखना भैया कोरोना है, ये लास्ट में कहेंगे, धारणा बदल गई, लेकिन वास्तव में ये धारणा कहीं ऐसे तो नहीं हमें लापरवाह बना रही हो? आपकी बात बिल्कुल सही है, जब तक लॉकडाउन एक और लॉकडाउन दो रहा है तब तक बहुत सख्ती रही है और केसेस बहुत कम रहे हैं। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो यहाँ पे ही लॉकडाउन एक और लॉकडाउन दो में सिर्फ 8 या 10 केसेस थे, उससे ज्यादा नहीं थे। जब से ये माइग्रेंट लेबरर बाहर से आने शुरू हुए हैं उसके बाद से एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफी कुछ किया है, गवर्नमेंट ने भी इसमें कमी नहीं की है, हॉस्पिटल्स पे उसने काफी कुछ जी हॉस्पिटल्स में भी सारा फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दिया है। तो अगर देखा जाए तो अभी उस समय लॉकडाउन के समय भी पेशेंट में इमरजेंसी सर्विसेज केवल यहाँ पे चालू थी, हर जगह के वो चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, अपने सारे यूपी में हो या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो उस समय पेशेंट जो थे जो फीवर के हों या इस टाइप के पेशेंट जो कॉम्प्लिकेशन बताए जाते थे, अगर आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर हो, आपको डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो या फिर आपको गले में खराश टाइप की दिक्कत हो, तो उस टाइप में जो भी बीमारियां इस टाइप की होती तो लोग घर में अपने आप को ठीक कर लिया करते थे। बट लॉकडाउन एक और दो के बाद एक एक पेशेंट, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो चाहे पेट में दर्द हो, वो सारे हॉस्पिटल में आने शुरू हो गए हैं। और जब वो हॉस्पिटल में आने लगे हैं तो अगर देखा जाए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल चुका है, लोगों में एक से दो, दूसरे में तीसरे, इस तरीके से अब ये कोरोना फैल गया है। तो जब भी लोगों को अभी अभी आज भी हमारे हॉस्पिटल्स में, प्रयागराज के कुछ हॉस्पिटल्स में फ्लू ओपीडी, फीवर ओपीडी अलग बनी है, वहां पे जो भी फीवर वाले पेशेंट आते हैं उनको प्रॉपर बताया जाता है कि आपके लिए ये फीवर ओपीडी है, आप जाके वहां अपने कोविड की जांच करानी हो तो कोविड की जांच कराइए अगर आपके अंदर सिम्टम्स हो तो। और देखा जाए तो अभी पैरासीटामोल, हम हर पेशेंट को पैरासीटामोल जैसी दवाइयां जो फीवर उतारने की दवाइयां होती हैं वो हम लोग अब पेशेंट को उतना देते भी नहीं है, क्योंकि लोग करते क्या है फीवर उतारने के लिए पैरासीटामोल या दूसरी एनाल्जेसिक दवाइयां खाते हैं जिसकी वजह से फीवर तो उतर जाता है। बट जैसे अगर देखा जाए तो कोविड के अब सिम्टम्स कम नजर आ रहे हैं लोगों को, मतलब अचानक से जांच कराया पता चला उनके रिश्तेदार या नातेदारों को किसी को कोविड हुआ है तो ये हुआ चलो भाई हम भी अपनी जांच करा लेते हैं, तो इस तरीके से असिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिस भी पेशेंट ने कंप्लेन की साहब हमको 2 दिन से या 3 दिन से फीवर आ रहा है तो इमीडिएट हम लोग उसको फ्लू ओपीडी में भेज के कोविड की जांच कराते हैं। इलाहाबाद के लगभग हॉस्पिटल्स में इस तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है। जी चलिए, लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहूंगा कि कहीं पर भी किसी शहर की आप स्थिति देख लीजिए, कि जैसे अभी अर्चना जी कह रही थी कि जैसे खान पान की चीजें, मतलब डर जो लोगों का निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आपका मनोबल बढ़ता जा रहा है कि आप में डर नहीं है, लेकिन डर तो नहीं है, एक गोलगप्पे की दुकान है उससे ठेला है उसी पे लोग खड़े हो रहे हैं, सब्जी के लिए देखिए आप किस तरह की पोजिशन बन रही है, और तो और छोड़िए हमारे माननीय अतिथि जो बैठे हैं राजनीतिक दलों के, आप इनकी रैलियों की, इनके धरने प्रदर्शन, इनके ज्ञापन देने का वह क्रम देख लीजिए किस तरह की स्थितियां बनती है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसके लिए एक मैसेज जहां से जारी हो रहा है वही लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कैसे कोरोना कम होगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब पॉलिटिकल के बारे में, अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जाए, चूंकि मैं डॉक्टर हूं, एक हॉस्पिटल का कर्मचारी हूं, अगर जैसे अर्चना जी ने अभी कहा इनकी मैं बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, आप गोलगप्पे की दुकान पे जाइए, जलेबी की दुकान, समोसों की दुकान पे, वहां भीड़ लगी है, पब्लिक आज के डेट दिन भी कोई मास्क नहीं लगाती है और ना सोशल डिस्टेंसिंग करती है ना दूरियां बना के रखती है। सब्जी बाजार में आप चले जाइए, अब कहा जाए तो जो पुलिस सर्विसेज भी है वो बेचारी ऊब चुकी है पब्लिक को बता बता के। देखिए पब्लिक के समझ में नहीं आता पब्लिक क्या है, आप अगर किसी भी पब्लिक से, किसी भी पर्सन से बात की जाए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ और आप गोल गप्पे खा रहे हो, दुकान की कोई चीजें मत खाओ, घर पे रहो, जब भी जरूरत की चीजें हो आप घर घर पे ले आओ, सब्जियों को धो के खाओ या बाहर की चीज की, अब तो घर घर लॉकडाउन के समय तो लोग अच्छी अच्छी चीजें घर पे बनाने लगे थे, तो आप फिर से वही करो, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने तो एक नॉर्मल डेंगू मलेरिया इस टाइप की बीमारी को कोरोना समझ रखा है। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूं, सरकार राजनीतिक दलों की बनी हुई है, केंद्र में आपकी है, राजस्थान में अगर बात करें तो कांग्रेस की है, आपकी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये आम लोग कहते हैं कि कीप डिस्टेंस, ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये ज्ञापन देखिए किस तरह से दिए जा रहे हैं, ये धरने देखिए कैसे दिए जा रहे हैं,
आपकी वर्चुअल वैल्यू की पोजिशन देखिए, जो स्पोक्स मैन है जो बोल रहा है वही तो एक पोडियम पे अलग से खड़े होंगे, बाकी लोगों की पोजिशन देखिए आप, तो कैसे ये मैसेज क्या देना चाहते हैं कि केवल प्रायोरिटीज बदल गई है, केवल बस अभी कोरोना पे बयानबाजी करनी है, लेकिन वो स्थितियां नहीं है। आज लोगों में आज भी डर है, डर निकला नहीं है। घर से बाहर जब निकलते हैं तो हर कोई कहते हैं कि ध्यान से जाना, पहले तो ये कहते थे कि ट्रैफिक है थोड़ा ध्यान से, आज तो ये कहते हैं कि किसी से संपर्क में मत आना, थोड़ा डिस्टेंस रखना। लेकिन ऐसे कैसे कम होगा, आप लोगों के तो एजेंडे बदल गए हैं, बिल्कुल धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हो, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, तो उसमें चलिए वो भी करिए कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टेंस कहाँ हो रहा है उसका। देखिए योगेंद्र जी, कुछ राजनीतिक विषय हो सकते हैं जिनके कारण ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कई जगह पार्टी विपक्ष में थी, वहाँ जरूरत थी, धरने प्रदर्शन हमने कहीं नहीं किए, जहाँ कुछ ज्ञापन देने थे जैसे बिजली के बिल के ज्ञापन हो गए वो वही किया है, बाकी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो भी राजनीतिक दल है इस विषय पे किसी ने भी राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश में काम किया, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सरकारों ने, और निश्चित रूप से आज अगर के धरने, किसी का ज्ञापन, किसी के प्रदर्शन, ये सब चीजें चल रही। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई टाइम निकल जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा कि राजनीतिक दल जो स्टेप उठा रहे हैं कुछ दिन टाला नहीं जा सकता इसे। वीरेंद्र जी आप सुन पा रहे हो? जी जी योगेंद्र जी। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो कुछ राजनीतिक दल अभी कर रहे हैं जिसमें क्राउड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि अगर 5 दिन बाद में या 2 महीने बाद में भी उसको किया जाए जिससे कोई उसका अलग परिणाम आ जाएगा तो इसे टाला जा सकता है? क्योंकि मैं ये बिल्कुल आप करिए, क्योंकि अनलॉक कर चुके हैं तो सब कुछ जायज है, लेकिन जो भीड़ के में जो चिंता होती है कि अगर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं जिस चीज को आप रोकना चाह रहे हो उसे खुद ही कर रहे हो। विषय ऐसे थे जो जरूरत थी उनकी विषय की ज्ञापन देने की, जैसे जिस प्रकार के बिजली के बिलों को लेकर ज्ञापन देने की बात की वैसे है, मैं समझता हूँ पार्टी से भी अपना निर्णय ले चुकी है और अब आगे से इस प्रकार के कोई भी कार्य ऐसे नहीं होंगे जिससे आम जनता में गलत संदेश है। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से आम जनता से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह सिर्फ और सिर्फ 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सभी सरकारें अच्छा कार्य कर रही है, उन सरकारों के कार्यों में सहभागिता निभानी है, ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, तभी लोग घर से बाहर जाए, और घर से बाहर भी जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मैं समझता हूँ तभी इस महामारी से हम लोग निपट सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बिल्कुल विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा जी। जो राजनीतिक दल जिनकी चुनी हुई सरकारें हैं आप उनके प्रोग्राम्स को देखिए, हालात क्या रहते हैं। एक दिन पहले ही, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके एक दिन पहले की बात बताना चाहूंगा कि शहादत पे आप लोगों ने एक मौन व्रत रखा, वहां की स्थिति थी सोशल डिस्टेंसिंग की डेफिनेशन बदल दी आप लोगों ने, वहां किस तरह से एकजुट होकर के लोग कैसे बैठे हुए थे कि आप तो 2 गज की बात कर रहे हैं,
वह हवा एक दूसरे के बीच से नहीं निकल सकती थी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सब चीजें टाली जा सकती है। दिल से शहादत को आप नमन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्चुअल जो चीज जिस तरह से चीजें कर रहे हैं वैसे करिए। आम पब्लिक के लिए तो हम कह रहे हैं, क्या वास्तव में इस देश में वापस उसी तरह का लॉकडाउन किया जाना चाहिए? आप कह रहे हैं, और हमें राजनीतिक दलों को ये सब ध्यान रखते हुए ये सब आयोजन किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए। कल का जो आयोजन था उसमें हर बार समझाने के बावजूद थोड़ा बहुत वो क्या समझ नहीं रहे। आम जीवन में भी यही हालात है, वही राजनीतिक पार्टियों के साथ हालात है। हालांकि इन चीजों का ध्यान रखा गया था और बार बार ये घोषणा भी की जाती रही और सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादातर पालन करने का प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ा बहुत चूक हो जाती है। तो उसमें जनता स्वयं को समझना होगा, राजनीतिक दल क्योंकि सवाल इस वजह से उठ रहा है कि जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं उससे आम जन को लगता है कि राजनीतिक दलों के मायने बदल गए हैं कोरोना को लेकर के। कोरोना से बाहर निकलना उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है, उनका एजेंडा अपना है कि सामने चुनाव दिख रहे हैं तो हमें चुनाव की तैयारी करनी है। अगर कोई दूसरा ऐसा लग रहा है कि एक ने कुछ कह दिया तो हमें रिएक्ट करना है, अवसर कैसे बनाए जा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि कोरोना के बीच लोगों की तकलीफ और परेशानी को समझना चाहिए। आप ही आम जन है, लेकिन जो स्थितियां देखते हैं राजनीतिक दलों की उससे लगता नहीं है फोर्सफुली नहीं करवा सकती। जनता को और कार्यकर्ताओं को और हमें राजनीतिक लोगों को यह समझ के चलना पड़ेगा कि कोरोना एक लाइलाज बीमारी है और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत जरूरी है। लगभग समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को कम किया है, मेरे पास फोटोग्राफ है, आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और मैंने वहां खड़े मीडिया के लोगों को भी कहा, मीडिया बुराइयां करती है, हमें उपदेश देती है, हमें सिखाती है कि ऐसे रहना चाहिए। और हमारी रैलियों की, मैंने कहा कल ही ये समाचार आ जाएगा हमारी रैली का, और वो आपके जरिए आ भी गया। लेकिन मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, आप देखेंगे कि आपके मीडिया पर्सन सिर से सिर जुड़े। आप जो हवा निकलने की बात कर रहे हैं वो आम कार्यकर्ताओं में, आम जनता में नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों में इस तरह का सीन नजर आता है। मैं आपको अलग से सर, मैं वही कह रहा हूँ कि होड़ मच रही है, होड़ मच रही है। मीडिया वालों की बड़ी मजबूरी है कि उन्हें जाना पड़ता है। मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जान पे मत खेलिए आप। कोई शहादत को आपकी को नमन करने वाला कोई नहीं आएगा। आप पे बिल्कुल सबकी सिंपैथी है। चाइना ने जो बॉर्डर पे किया, हर कोई दिल से उबाल है उसमें। लेकिन अगर हम ये कहें कि बिल्कुल परिस्थितियां देखनी पड़ती है, अगर एक बच्चा अपने बाप के फ्यूनरल को दूर से देख पा रहा है, आप उन परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं? रिश्तेदार वहां बैठने के लिए नहीं जा सकते हैं, लोग इस तरह का ख्याल रख रहे हैं और आप लोग अभी बाहर निकलना नहीं चाहते उससे। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से हर चीज को जिस तरह से कहें कि ऐसा सेलिब्रेशन चल रहा है कि जो लगता है कि गाइडलाइन WHO ने जारी की, देश ने जारी की, राज्य ने जारी की, उसका कोई लेना देना नहीं है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। लोग चर्चा करते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह के डिस्टेंस के लिए बात की जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की क्या पोजीशन है। आप उस भावना को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिए कि जब हम कई लोगों से मिलते, कहा जाता है कि क्यों मिलने आए, तो कहते हैं कि साहब हमारे घर में किसी की डेथ हो गई और बिल्कुल बॉडी के पास भी नहीं जाने दिया, फ्यूनरल भी हमारे को किसी ने वीडियो वर्चुअल उसमें दिखाया। आपको ध्यान होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वह लोग इतना सब्र करके बैठते हैं कि हम इन परिस्थितियों से कैसे लड़के इससे बाहर निकले। लेकिन ये सवाल मेरा पॉलिटिकल पार्टी से इस वजह से उठ रहा है, अभी मैं बीजेपी ऑफिस देख करके आया हूँ, वर्चुअल रैली के अंदर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात सिर्फ गेट के बाहर होती है। आप मॉल्स में देख लीजिए, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, इतनी बड़ी गैलरी है वहां पे कि दो ट्रॉली लेकर के दो व्यक्ति बिल्कुल बिना टच हुए निकल जाएंगे, या उनके बीच में 6 गज की जगह होगी। रेस्टोरों में आप देख लीजिए, सब्जी की दुकान आप देख लीजिए। तो चिंता जिन लोगों की है ये कैसे दूर हो गए, ऐसे तो कोरोना से हम बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। तो सही बोलते हैं सर, इसीलिए शायद यही रीजन है कि जो आंकड़े हैं ना वो कहीं कम नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसे जा रहे हैं और ठीक है हॉस्पिटल चले जाएंगे, घूम के वापस आ जाएंगे, रिकवरी रेट अच्छा है। यानी मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोला भी इनको कि सर ऐसा नहीं, मास्क पहनकर जाइए बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करिए, वेजिटेबल। अरे नहीं, अपना राजस्थान ठीक है, यहाँ पे रिकवरी रेट अच्छा है,
मतलब वो लोग तैयार बैठे के जाएंगे हॉस्पिटल और घूम के आ जाएंगे। यानी वो जो माइंड में एक जो चीज होनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं हमको इस बीमारी से बच के रहना है, वो चीज सर माइंड में नहीं लग रही है लोगों के इस टाइम पर। यानी उनको बाहर जाकर, बाहर घूमने भी जाना है, बाहर जाकर खाना भी है, उनको देखने भी जाना है कि सड़कों का हाल क्या है, कहाँ पे क्या चीज खुली हुई है, कितने बजे मार्केट बंद हो रहे हैं। यानी आप अपने इन एंड अराउंड ही देखेंगे ना, आपको ऐसे लोग अरे बाहर देख कर आते हैं क्या क्या खुला हुआ है क्या क्या बंद है। यानी मजाक ही है लोगों के मन में, वो जो सीरियसनेस थी वो चली गई है। तो वही है कि थोड़ा सा मुझे लगता है गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज करना चाहिए कि लोगों के मन के अंदर जो वो भय था थोड़ा सा कहीं बैठा रहे। अदरवाइज इस टाइम पर तो लोगों ने, जो सर ने बताया कि वो स्वाइन फ्लू मलेरिया, वो सॉरी डेंगू मलेरिया को लेकर बैठ गए, बस की बिल्कुल वैसा ही है, हो जाएगा तो ठीक है हम रिकवर हो जाएंगे। अब तो दिल्ली में लोगों को वो क्वारंटाइन भी घर पे ही कर रहे हैं पेशेंट को, तो होगा तो हम भी घर पे ही रह लेंगे, कहाँ टेंशन है। तो बोले इतना डर डर के नहीं रहना। यानी लोगों के रिमार्क्स आप देखिए, जो पहले रिमार्क्स थे जो अब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो साइकिल ही चेंज हो गई लग रही है हमको। तो बिल्कुल कहीं ना, ये तो ठीक सोच है, चले ये तो ठीक सोच है, लेकिन उन्हें यह समझाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि आज गडकरी साहब, नितिन गडकरी जी ने वर्चुअल रैली की, बहुत अच्छी बात है। बीच में ये भी कहा जा सकता है कि जो रिकवरी रेट है, या आपको देखिए रिकवरी रेट कब के से चली आ रही है, कब की रिकवरी रेट है, पिछले 6 दिन 1 लाख पेशेंट बने हैं, तो मुझे तो ये कोई इस रिपोर्ट में जारी कोई करके बताए कि 6 दिन में हमारी रिकवरी रेट कितनी है। ये बात सही है कि 1 लाख का आपके बीच में डिफरेंस आ रहा है कि आपके एक्टिव केस और जो ठीक हो गए उनमें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ये धारणा बना करके बैठे हुए हैं कि हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी है, वो सिर्फ इस वजह से कि आपने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया है, आप मास्क लगा करके चलते हैं, आप बार बार आपके हाथ धो रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। अगर आज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और हम अगर केयरलेस हो गए और सोच के चलेंगे कुछ नहीं होता, गोलगप्पा खाइए सब मस्त है, कोरोना अपने आप चला जाएगा अंदर, ये बिल्कुल हमारी भ्रांति है, गलतफहमियां हैं। मुझे लगता है कि सभी को ये एक वक्त ऐसा चैलेंजिंग मोड पे आकर के हम खड़े हो गए हैं कि अभी जो तस्वीरें हम देखते हैं कि ब्राजील की ये पोजीशन, रसिया की पोजीशन, यूएस की ये पोजीशन, वह शायद यही एक बड़ी वजह है कि जैसे अनलॉक करना शुरू किया और उसके बाद की स्थितियां वहां भी थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हुई है। हम बहुत अच्छी पोजीशन में बने रहे, इसके लिए जरूर है कि आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी होगा, धारणा बदलिए, वापस से उसी डर को अंदर बैठाइए कि मुझे अगर मास्क नहीं लगाऊंगा तो मैं कहीं खतरा मोल ले सकता हूं, उस तरह के डर को तो निकाल दीजिए कि बिल्कुल कोरोना खा ही जाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, रिकवरी रेट इंडिया की बहुत अच्छी है, लेकिन मास्क अगर आप नहीं लगा करके जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप कोरोना पैसे नहीं जीत पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम कोरोना, कितनी चिंता और कितनी राहत, राहत तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ले राहत मैं आंकड़ों की कर रहा हूं कि आज भी जो एक्टिव केस हैं उनसे कहीं ज्यादा, यानी कि 1 लाख ज्यादा रिकवरी केस, यानी कि ठीक ज्यादा हो रहे लोग और बीमार कम हो रहे, ये एक राहत की बात है। लेकिन अगर पिछले 6 दिन की बात करें तो चिंता भी बढ़ती है कि 6 दिन के अंदर 1 लाख केस बढ़े हैं, जो सफर 1 लाख, पहले 1 लाख में एक केस से 1 लाख में 110 दिन लगे, वही अब 4 से 5 लाख बनने में महज 6 दिन लगे, यहां चिंता होती है। चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आप वापस आप एक पास आना चाह रहा हूं मैं, एक बात जानना चाहता हूं, चलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि लोगों के अंदर देखिए तो बैठ के जैसे अर्चना जी कह रही हैं कि बिना मास्क के कि कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, रिकवरी रेट भारत की बहुत अच्छी है, धारणा बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपको एंटीबायोटिक का काम कर रहा है आपकी सोच, अच्छी बात है, लेकिन आप मास्क नहीं लगा करके, हाथ नहीं धो करके आप बीमारी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यहां सवाल मेरा इस वजह से है आपसे कि जो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए थे, सरकारों को अवेयरनेस के लिए वह सख्ती बरतनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा लचीलापन दिखाई दे रहा है, केवल अभी टीवी के स्टेटमेंट्स, पेपर के स्टेटमेंट्स, श्रम इसी पे फोकस है,
मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि रास्ते में किसी को रोक करके अगर मास्क नहीं है तो कहा जाए कि चलिए आप यहीं पे खड़े होइए और लोगों को आप खुद 10 मिनट तक खड़े होकर के जागरूक करेंगे मास्क लगाइए, ये मास्क लीजिए, मास्क लगाइए, इसका पे आपको करना है, इसके पेमेंट दीजिए, चालान छोड़िए और आधा घंटा 10 मिनट कि खड़े होकर चौराहे पे आप लोगों को बताइए कि मास्क बहुत जरूरी है। कुछ मुझे लग रहा है कि सरकारों की तरफ से, पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसकी कमी दिखाई दे रही है। जैसे होना कि अनलॉक कर दिया सारा सिस्टम, लोगों को छोड़ दिया अपने हाल पे, ये चिंता का विषय हो सकता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लोगों की जो चर्चाएं हैं वह ये कहती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो मास्क का इस्तेमाल तो अब लोगों ने खत्म ही कर दिया है। आपको बहुत ज्यादा जो बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लोग होंगे जिनको बीमारी का डर है वो यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो मास्क का प्रचलन भी खत्म हो गया है, ना तो पुलिस फोर्स कुछ बोलती है ना तो गवर्नमेंट का ढिलाई बरतने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियां देख ली आप, एग्जैक्टली कंपनी मास्क बनाने लग गई, सैनिटाइज बनाने लग गई। लेकिन मैं इस पे एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मास्क जो बाजार में लोग खरीदते हैं उससे अच्छा तो अपने रुमाल को 3 परत में करके अपने मुंह को बांध सकते हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बोलते हैं कि हमको सैनिटाइजर लेना है वो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लाइफ बॉय का साबुन 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए में मिल जाता है, आप उससे अपने हाथ को धो सकते हैं, साबुन का फेन जो होता है उससे हाथ धो सकते हैं, उसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप कहीं बाहर से आइए अपनी साफ सफाई रखिए, आप अपने कपड़े को उतार के उसको पानी में डाल दीजिए, धुल दीजिए, नहा लीजिए। अगर जैसे कि बाहर से कुछ भी आप खाने पीने की कोई चीजें लाते हैं, जैसे हरी सब्जियां लाते हैं, कोई सब्जियां लाते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, साफ सफाई करके पानी को सुखा लीजिए, उसके बाद आप फ्रिज के अंदर रखिए। तो और बाहर की चीजों को तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा कि बाहर की चीजों को कुछ नहीं खाना है। जो लोग गोलगप्पे टिकिए ये सब खाते हैं, अगर देखा जाए तो ठेलिया वाला भी अपने हाथ में कोई वो ग्लव्स तो पहनता नहीं है, और मैं कह रहा हूँ खाने की जरूरत क्या है। और जहां तक इम्यूनिटी की बात है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जो भी केसेस ज्यादा जो बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर कम है, उसका एक बहुत ही अच्छा फायदा हमारे लिए है, बट लोगों के मन से डर खत्म हो गई है कि हमको कोरोना हो भी जाएगा तो हम मरेंगे नहीं। अगर 100 लोगों में से एक की डेथ हुई तो उनके लिए उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आजकल जो कोविड जिसको हो जाता है वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते, फीवर भी नहीं होता, सांस लेने में परेशानी नहीं होती, गले में खराश नहीं होती, वो अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़े में निमोनिया हो गया है और आपको वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत है, और 2 दिन बाद आप डेथ कर जाओगे। और लोगों के मन में एक धारणा ये भी बैठ गई है कि ये तो बच्चों में या बुजुर्गों में होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि 24 से 25 साल की उम्र के लोगों की भी डेथ हुई है। हाँ, बुजुर्गों में मैं बात करूंगा जिनको दूसरे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कार्डियक डिजीज है, तो उनको बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना उतना कम करना चाहिए। ये सब काम हमारे राजनेता तो कर रहे हैं बट हमारी पब्लिक को नहीं समझा रहे हैं कि हमारी पब्लिक को भी करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू में अगर मैं बोलूं तो हमारे राजनेता किसी से नहीं मिल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री साहब तो लोगों से मिल रहे हैं, बाकी कोई एमएलए नहीं मिल रहे, लेकिन जहां पे वर्चुअल रैली करते हैं उन्हें सुनने के लिए जो लोग जाते हैं वहां की आप पोजीशन देखिए, वहां की पोजीशन तो सर बहुत खराब है। मुझे लगता है कि इस तरीके की रैलियों को अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से कम दिसंबर तक इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई मुहूर्त नहीं टले जा रहा है कि जो नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये तो कुंभ का स्नान है, 12 साल बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे तब कम्युनिटी ट्रांसमिशन रुकेगा, नहीं तो ना। तो आप ठीक है, मैं आप कहते हैं रैलियां करते हैं, लोगों को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि शादियों में 20 लोगों को जाना है, मरने में जो मर गए हैं उनकी अर्थियों को देने के लिए 20 लोगों को जाना है, तो रैलियों में 100 या 500 लोगों को क्यों इकट्ठा किया जाता है? तो मैं यही चाहता हूं कि इस तरीके की रैलियां तो बंद कर दी जाएं, नहीं बंद करेंगे तो ये बीमारियां बढ़ेंगी, और देखते देखते ये WHO के हिसाब से हमारे इंडिया में, अगर हमारे इंडिया ने इन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया तो समझिए कोई भी देश कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब चीजें जरूरी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो फैल चुका है, वो तो पक्का फैल चुका है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और कोरोना दिसंबर जनवरी अगर ये कहे जहां हम अपने आपको सेफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें, तो ये हमको होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और बाहर की चीजों को टोटल अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे केसेस मैक्सिमम केसेस अभी ये आ रहे हैं कि जैसे किसी को पता लगा कि इसका कोरोना टेस्ट होना कब है, अगर किसी की सर्जरी करवानी है
या उसे दिखाने के लिए जाना है कि चलिए आपको तो एडमिशन करना पड़ेगा लेकिन आपको उससे पहले कोरोना टेस्ट कराना है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, ज्यादातर केसेस ही यही आ रहे हैं अभी, फिर पता लगता है कि कोरोना पॉजिटिव है इनके, तो ऐसे तो क्वेश्चन है। लेकिन पेशेंट का कहना है कि मुझे तो बिल्कुल भी कहीं किसी तरह की कोई हरारत नहीं है, कहीं बिल्कुल भी किसी तरह का फ्लू अटैक भी नहीं महसूस हो रहा कि कहीं पे जुकाम हो या खांसी हो, बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसे पोजिशन में ये तो चलिए उस व्यक्ति का टेस्ट हो चुका, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, आज अपन पांच लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि अपने में से तीन को कोरोना हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या उन्हें क्या सावधानी रखने की जरूरत है? क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि यह आम आदमी के लिए बात होगी कि किसी में हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन उसे क्या सावधानी रखने की जरूरत है? सर पहली चीज तो अगर ट्रेवल हिस्ट्री है, अगर मान लीजिए मैं इलाहाबाद में रहता हूं और मैं दिल्ली से आया हूं, तो हमको एक कोरोना जांच करानी जरूरी है, चाहे जी हेलो हाँ हमारे अंदर सिम्टम्स होना हो, अगर ट्रेवल हिस्ट्री हो तो कराना चाहिए। हमारे आजू बाजू एक घर छोड़ के दो गए, एक किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी को पॉजिटिव निकला है तो वहां पे कराना चाहिए। और अगर फीवर नहीं है या आपको डिफिकल्टी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, गले में खराश नहीं है, कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमको फीवर हो रहा है या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो दो से तीन दिन आप अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लीजिए, अपने आप को घर में पैक कर लीजिए, लोगों से अपने घर के फैमिली वालों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, घर के अंदर मास्क लगा के रखिए कि आप किसी से भी बात करेंगे तो आपके जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी दूसरे पे ना जाएं। अगर तीन से चार दिन में खत्म हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं है। खासतौर से सर्जरी के पहले कोरोना की जांच करानी बहुत जरूरी है, ताकि उससे पेशेंट को भी बचाया जा सकता है और डॉक्टर को भी वो पॉजिटिव ना हो। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। चलिए मैं वीरेंद्र जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। जो एक चिंता है, जनटीवी की चिंता है, आप लोगों की हमें चिंता है, मुझे लग रहा है आप लोगों को भी चिंता होगी। खैर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लीडरशिप को तय करना है कि हमें किस दिशा में जाना है, देश आप लोगों की तरफ देख रहा है, लेकिन जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, अभी जैसे वर्चुअल रैली ठीक है आपका, दूसरे कार्यकाल मोदी जी के पहले साल को लेकर के किया जा सकता है, करिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये वर्चुअल रैली घर में लोग बैठ करके भी तो देख सकते हैं। आज हम गेस्ट से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं? जब 50 लोग और 20 लोगों की आपने तय कर रखी है कि फ्यूनरल में 20 से ज्यादा नहीं जाएंगे, किसी के मैरिज है तो उसमें 50 से ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर क्या हो रहा है कि 50-50 से ज्यादा 100 लोग जुड़ रहे हैं, कहीं पे 150 जुड़ रहे हैं, किसी धरने प्रदर्शन में भीड़ आ रही है, फिर ये सब क्या हो रहा है? योगेंद्र जी देखिए, हमारे राजनीतिक नेतृत्व भी ये समझता है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी कोई विषय है तो वह सोशल डिस्टेंसिंग, और उसी को देखते हुए हमने वर्चुअल रैली का एक अनुपयोग किया था यहाँ पे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता वो इससे समझ नहीं पाए और वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, इस कारण कुछ इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज के बाद इस प्रकार की अव्यवस्थाएं आपको नहीं देखनी पड़ेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे पहले आभार भी देना चाहूंगा जन टीवी का, जिन्होंने इस डिबेट के माध्यम से दो दो डॉक्टर्स को जनता के सामने रखा, उन्होंने इस विषय को अच्छे से समझाया है, आपने भी इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया, तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ चाहे मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, आम जनता हूँ, अगर मैं आप जैसे इस चैनल के माध्यम से अगर इन विषयों को समझ रहा हूँ तो निश्चित रूप से अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं निश्चित रूप से अपने नेतृत्व को भी कहना कहूंगा इस विषय के, आप उनके समक्ष रखूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो जिससे कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं करें। तो निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जो आम जनता को समझना पड़ेगा, चाहे वो 2 गज की दूरी का विषय हो या मास्क पहनने का अनिवार्यता हो। और जिस प्रकार से एक साइंस के हिसाब से देखे हैं तो एक व्यक्ति 244 लोगों को 1 महीने में संक्रमित कर सकता है, और अगर उसे नहीं रोकेंगे तो वो करीब 2 माह में, अगले 2 माह में 60,000 लोगों को संक्रमित कर देता है। तो निश्चित रूप से हमें इन विषयों को ध्यान में रखकर कुछ अनिवार्य विषय उन्हें अपनाना होगा, चाहे वो 2 गज की दूरी हो, चाहे मास्क पहनना जरूरी हो। जी बिल्कुल, 2 गज की जरूरी दूरी बहुत जरूरी और मास्क पहनना भी जरूरी, ये बिल्कुल हमें धारणा बनानी होगी, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखिए हम चाहते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर हाइप दी जा सकती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ाया जा सकता था, लेकिन ये कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कोरोना की जंग से बाहर कैसे निकला जाए। तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बेवजह के तनाव जो मिला है हमें, और कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर है,
उस चूक की वजह से हम सब इस जद में फंसते जा रहे हैं। आज यहाँ पे कल कहा होगा कोई नहीं कह सकता, सिर्फ इसे रोकना एक आपके अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसी से रोका जा सकता है। विक्रम सिंह जी आपके पास भी आना चाहूंगा, वीरेंद्र जी ने माना इस बात को कि उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं वह पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत है, नहीं आना चाहिए, हम रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए आप अपने एजेंडे पे कायम रखिए, लेकिन वास्तव में जो रूल्स आप लोग खुद बनाते हैं उसे आप ही लोगों के माध्यम से तोड़ा जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि राजनीतिक दलों को सरकारों को इस ओर गौर फरमाना चाहिए ताकि इस डिस्टेंस को हम मेंटेन कर सके। विक्रम जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? चलिए विक्रम सिंह जी से संपर्क हो नहीं पा रहा, उनका वीडियो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनकी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए मैं अर्चना जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। जी वीरेंद्र जी ने इस बात को स्वीकार किया है, मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे। एक दिन पहले ही आपने देखा शहादत को नमन करके कांग्रेस का प्रोग्राम रहा, वर्चुअल रैली बीजेपी कर रही है, ये स्पीड बढ़ सकती है, मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई विड्रॉ करेगा। अभी जेपी नड्डा साहब ने 10 सवाल सोनिया गांधी जी से पूछे, कल कांग्रेस आंदोलन कर सकती है कि गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें इतनी जरूरी है कि अभी तमाम चीजों को जब दुनिया, क्योंकि देखिए घटनाक्रम कहीं भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे समाज पे, हमारे स्थिति पे आता है। हम एक चीज से पहले जूझ रहे हैं तो किस तरह से देखा जाए राजनीतिक दल बिल्कुल पूरी तरह से उसी मोड पे आ गए, क्या बिल्कुल ये टाला जा सकता है इन तमाम पहलुओं को आपस में सर्वदलीय बैठक का नतीजा क्या निकला? कोरोना शायद जो दिख रहा है राजनीतिक दलों को देखते हुए कि कोरोना पीछे छूट गया है और राजनीति की होड़ आगे आ चुकी है, ये चीज हमने देखनी शुरू की राज्यसभा इलेक्शंस के साथ ही। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह से शादियों में 50 लोगों के एक साथ रहने की अनुमति है, लेकिन जहां अपना जो JW मैरियट था वहां पर कितने लोग एक साथ इकट्ठे थे वो हम सब ने देखा। उसके बाद में अगर हम बात करें जब असेंबली में इलेक्शन की, मैं तो लोकल लेवल पे ही बात कर रही हूँ, अभी नेशन पे तो गए नहीं है हम, तो किस तरह से वाजिब अली जी को हमने देखा फिर PPE किट के तहत वोटिंग करते जाते हुए, तो वो जो क्वारंटाइन नॉर्म था वो भी कहीं ना कहीं साइड में रह गया। उसके बाद में कल हमने देखा शहादत को नमन करते हुए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। उसके बाद अगर हम सेंटर पे जाएं तो किस तरह से बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर एकदम गन पॉइंट होता है ना, जिसको शूट करने के उससे बैठी हुई है कि यानी एक तरफ आपका हमारा कोरोना का तो वॉर चल रहा है, एक तरफ चाइना ने हमें एक कॉर्डन किया हुआ है, तो उसके तहत इसके बीच में ये जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन की मनी को लेकर जो आपस में इन लोगों के वार और वो प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ये सब देख के लग रहा है कि किसको आमजन की चिंता है। मुझे तो ये जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई सोच रहा है कोरोना को लेकर कि हमको क्या, यही जो आप और हम बात कर रहे हैं कि हमको किस तरह से लोगों को अवेयर करना है कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो यहीं पर है। ये 6 दिन में जो अपना जो आंकड़े इतने 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, ये आप आगे अगर नहीं अगर हमने चेक किया तो वो जो डबलिंग रेट है वो 3 दिन 4 दिन का हो जाएगा। ये आज हम सब देख रहे हैं किस तरह से इसका जो मल्टीप्लीकेशन रेट है वो कितना फास्ट है। तो इस टाइम पर जब हमको वो सारे प्रिकॉशंस एक्टिविटीज क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हम लोग अगर ये पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेलने लग जाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच, देखेगा कौन कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसा एकदम वो धृतराष्ट्र नहीं होता है वो पट्टी बांध के, बस आपने तो वो कोरोना के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है, उसके बाद में आप बिल्कुल शब्दों के वार करे जा रहे हैं, तो यानी सिचुएशन उसको देखकर लगता है काफी गंभीर है। यानी आप अगर ऐसा नहीं लगता अर्चना जी कि देखिए इस समय जो देश है निश्चित रूप से हमारे बॉर्डर टेंशन है, इससे कोई डाउट नहीं है, नेपाल इधर आप चले जाइए, LOC पे फिर LAC पे जो हमारे चैन चल रही है लंबी दूरी तय कर रहे हैं वहां हमारा तनाव है, फ्यूल प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना की अलग मार है, जिस राज्य पे जवाबदेही बनती है तो वो पूछे आप महंगाई में आप वेट कम करेंगे, तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना में फेल हुए हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं कि आप सब कोरोना में क्या कर रहे हैं, आप सब्सिडी बढ़ा दीजिए और वापस चालू कर दीजिए और आप थोड़ा एक्साइज ड्यूटी को अगर आप कम कर देंगे तो फ्यूल प्राइस में राहत मिल सकती है, तो बात आएगी कि राजीव गांधी फाउंडेशन से चीन का क्या रिश्ता है।
अब ये बताइए कि ये वक्त है, ये कुछ दिन बाद भी स्टैंड कर रही है, आपके पास से फैक्ट्स होने चाहिए और आप उसके बाद भी कर सकते हैं। और जब मालूम है कि कोई भी पार्टी अगर इलीगल कर रही है तो आपके पास में सलाखें बनी हुई हैं, केवल एजेंसी से जांच मत कराइए। आज तो अगर एजेंसी से ऐसे अवसर पे जांच कराई जाती है तो कहा यह जाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ये अब नहीं लगता है कि बयानबाजी जिस तरह की चल रही है इस देश में कि जैसे बिल्कुल बेखौफ है, हमारे कोई किसी तरह का कोई डर बचा ही नहीं है कोरोना का। बिल्कुल सर, वही है जो एक होता है ना बेलगाम घोड़ा, एकदम से बिल्कुल आपने खुले ग्राउंड है और उसमें आप लोगों ने दौड़ा दौड़ना शुरू कर दिया है। बस आपको जल्दी से ये जितना हो सके माइलेज मिले, जितना हो सके हम लोग अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस मार्क कर सके, जितना हो सके हम यू नो गेन अपने वो गेनिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं अपना खुद का मैदान तैयार कर सके। बस वो एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। उस बीच में कोई ये भी नहीं देख रहा है कि कल और आज के बीच में 18,500 नए केसेस आए हैं, 400 लोगों की डेथ हुई है। तो यानी ये जो इतने बड़े मुद्दे हैं ये तो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? कितने साल पहले 20 लाख रुपए इसके फाउंडेशन में आए। और ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है कि आप 5 से 8 के बीच में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये आज को जरूर नहीं है, ये जनवरी 2021 में भी मुद्दा स्टैंड कर सकता है। वो खत्म नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल चला के सब अब कैसे कर सकते हैं इस मुद्दे को। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करके रखिए ना, जब टाइम आएगा तो डिबेट करिएगा उस पर। अभी तो आप कम से कम लोगों को जितना हो सके उनको अवेयर करवाइए, अपनी सारी जो एनर्जी है ना वो। अगर हम सामने देखें न्यूजीलैंड का कितना अच्छा, भले ही ठीक है आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड एक बहुत ही छोटी इतना पॉपुलेटेड नहीं है जितना इंडिया है, लेकिन ये ऐसे देश हैं जिन्होंने टाइम पे बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की, जो अनाउंस किया उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके बताया। आज हम लोगों ने अनलॉक 1 से अनलॉक 2 फेज में जाना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली चले ना, हम लोगों ने बिल्कुल सब चीजें ओपन कर दी, ठीक है, लेकिन आपको जो केयरफुलनेस, जो आपके लोगों के दिमाग के अंदर जो जो चीजें फीड करनी है, ये तो किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, वोट मांगने आते हैं हमसे, ये रिप्रेजेंटेटिव बनने आते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है पूरे लोगों का ध्यान रखने की, उनको अवेयर करने की टाइम टू टाइम, कब उनको क्या करना है कैसे करना है। जो आज हम बात कर रहे हैं कि सड़कों पर अंधाधुन कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, लोग इनको टीवी चैनल पे देख रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये लोग भी ऐसे घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोरोना में सब रिकवर हो रहे हैं। तो बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? जी जी, सवाल मेरा ये है कि राजनीतिक दलों की ओर से इस वक्त जो शब्दों के बाण चल रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुद्दे से डाइवर्ट किया जा रहा है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी है इस तरह के कामों को करना, और विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार कहीं गलत हो तो उसको चेताना। तो हमारे लोग जब चेताने का काम करते हैं तो ये लोग उभरते हैं, हमारे पर रिकाउंटर करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस तरह का काम न करके सरकार को अपना काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जब कोरोना 30 जनवरी को जब WHO ने वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार नहीं चेती, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी। 1 महीने बाद लॉकडाउन लागू किया गया, गलत समय पर लॉकडाउन लागू किया गया, और अब जब रोग फैलने लगा है, ज्यादा ज्यादा संख्या में बढ़ने लगा है, तब आपने लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया। नए लागू करने का तरीका भी सही नहीं था, तो अनलॉक करने का भी तरीका सही नहीं है। सरकार ने बिल्कुल अनप्लैंड वे में दोनों अवसरों पर काम किया है। ये मैं आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा, आप अच्छे विशेषज्ञों से भी आप बात करके देख सकते हैं, डॉक्टर से भी आप बात करते हैं, और आपकी बात चर्चाएं होती रहती है, आप देखिएगा कि समय दोनों गलत थे। मैं ये नहीं कहता कि सरकार हर समय गलत होती है, लेकिन सरकारों के पास कुछ सोच प्लानिंग है। मुझे जो आप लोग उठा रहे हैं इस वक्त एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनका मुहूर्त टला चला जाएगा। ये जनवरी 21 में भी किए जा सकते हैं, जो अभी कितने प्रासंगिक है कि आज इन मुद्दों को भुनाना। सर हम आरोप आरोप नहीं लगा रहे, हम सरकार को चेता रहे हैं, उस चेतावनी को सरकार आरोप और प्रत्यारोप समझ रही है और सरकार उसके उलट काम कर रही है। नए चेत रही, आप देखिए कि अब इनको बिहार के चुनाव की चिंता सता रही है तो वर्चुअल रैली, किस बात की रैलियां कर रहे हैं? क्या चुनाव जरूरी है अभी इस संकट में, जब लोगों की जान बचाना जरूरी है? सरकार उसमें नहीं लग के सारा अपना ध्यान जो है चुनाव लड़ने लगाने जा रही है, सारी धन और सारी एनर्जी चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। ये क्या तरीका है? आप देखिए चुनाव में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, इसलिए सरकार जिम्मेदारी है। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, राहुल गांधी अगर कोरोना पे काउंटर करते हैं तो आप लोग चाइना कनेक्शन लेके आते हैं?
लग जाती है राहुल जी पर पड़ती है, ये क्या तरीका है? हाँ, बीजेपी अगर कोई राजस्थान में आरोप लगाती है तो कुछ दूसरा निकाल करके लेके आते हैं। मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीजों से लगता है कि राजनीतिक दलों को आम जनता से कुछ सरोकार नहीं रहा, वह आज नहीं एजेंडे पे चल रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मेरे विपक्ष, हाँ मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहूंगा इस विषय पे, क्योंकि यह विषय राजनीति का नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण भी देकर समझाना चाहूंगा, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो। हमारे यहाँ पे सांगठनिक चुनाव हो चुके थे, दोनों जगह प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व चुना जा चुका था, लेकिन अभी तक हमने संगठन के दूसरे पदों की घोषणा हमारे यहाँ नहीं हुई, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हमें लगा कार्यकर्ता इससे ज्यादा वो होंगे, वो मालाएं पहनाने के लिए एक दूसरे की जगह जाएंगे तो व्यवस्था ही गड़बड़ा सकती है। तो हमने कहीं भी संगठन की आगे बढ़कर हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को अवेयर करने के कार्यों में लगाया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं, अन्य दूसरे कार्य कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा अवेयर कर दिया वहाँ के विधायकों को भी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये क्या बीमारी है सर, मामूली सर्दी जुकाम है। आप देखिए सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 24/7 एक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिव करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जहां जनता की सेवा करने की जरूरत होती है वहां सेवा भी करते हैं। निश्चित रूप से आज के इस चैनल के माध्यम से आज मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जहां भी जरूरत होगी, निश्चित रूप से सेवा की जरूरत होगी। मैं वीरेंद्र जी, मैं तो बयानबाजी की बात कर रहा हूँ। बयानबाजी को देख करके ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस को देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है तो सिर्फ अपने एजेंडे की। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं इस समय में, वह नहीं करना चाहिए। यह समय राजनीति का नहीं है, देश को बचाने का समय है, आम जन की जान बचाने का समय है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, मैं समझता हूँ एकदम टू द पॉइंट उन्होंने कहा भी है कि कोई भी व्यक्ति हो, इस समय राजनीति का समय नहीं है, आप सभी नियमों का पालन करें, आम जनता नियमों का पालन करें, और जो नीति निर्धारक लोग हैं चाहे वो जनसेवक है चाहे वो राजनेता है, उन्हें भी नीतियों का पालन करना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए कुल मिलाकर के बात यही है कि केस जिस तरह से स्पीड से बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छी बात है, हमारे डेथ रेशो की भी बात करें पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत कम है, ये मेंटेन रखिए, लेकिन ये तभी संभव है, इससे हम बिल्कुल बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन आपका अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन आपका अपना जीवन है, आपके परिवार का जीवन आपका अपना जीवन है। अगर आप खुद सावधान रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारों के भरोसे बहुत ज्यादा मत रहिए आप, क्योंकि अनलॉक हो चुका है सारा सिस्टम, अनलॉक 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो यानी कि अब ये मान के चलिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप अगर डिस्टेंस रखेंगे, आप अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कोरोना आपके पास नहीं आएगा। एक बात मैं समझ के मैं खत्म करना चाहूंगा कि कोरोना वह महामारी है जिसकी नजर में अमीर गरीब लाचार बेचारा कोई मायने नहीं रखता है, और इतना स्वाभिमानी भी है कि जब तक उसे को लेने नहीं जाता तब तक वो आता भी नहीं है, बिना बुलाए मेहमान नहीं है कोरोना। तो ध्यान रखें कि आपको अगर सावधान रहना है, इससे बचना है, तो आपकी सावधानी सबसे बड़ी कारगर है। अदरवाइज आप सोच के रहेंगे कि सरकारों के भरोसे चलता रहेगा, सरकारों का अपने एजेंडे अनलॉक के साथ साथ बदल गए हैं, अब कोरोना केवल उनकी प्राथमिकता नहीं रह गया है, दूसरी चीजें भी उनकी हैं, और जिसको विकास कहा जा रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जिस तरह की बयानबाजी चल रही है इस देश में, उससे तो लगता है कि कोरोना कोसों दूर रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।